हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्टिकल मल्टी स्टेज पंप हाई प्रेशर पंप को रिपेयर कैसे किया जाता है। ये एक 16 स्टेज का पंप है। ये आता है, ये लूबी मेक है, इसका LCR416 का पंप है। अभी आपको दिखाता हूँ इसको असेंबली कैसे फिट करते हैं। जैसे ये बाउल टू बाउल डाल रहे हैं, बाउल इम्पेलर डालना है, ऐसे फिट करते हुए चले जाना है आपने। और इसमें ना जगह जगह पर एक डिस्टेंस स्लीप डलती है, जैसे आप टीसी पुश बोलते हैं उसको। और ये बीच बीच में 4-5 बाउल छोड़ के डाले जाते हैं ताकि इसका सेंटर बना रहे। अभी आपको दिखाऊंगा एक जगह भी डाला जाएगा तो। और इसको कैसे रिपेयर, अगर आप प्रॉपर वीडियो देखें, जैसे अभी ये आपको दिखाएगा, ये टीसी पुश है इसका, ये सेंटर बनने का काम करता है। पहले एक स्लीप डालनी होती है इसके नीचे, इसके बाद ये टीसी पुश डालेंगे, टीसी कार्बन बूस होता है। और ये एक बैरिंग बाउल बोलते हैं इसको, बाकी सारे स्टेज बाउल बोलते हैं, ये बैरिंग बाउल होता है। ऐसे फिट कर देना है आपने और इसको ऐसे ही फिर इम्पेलर बाउल डालते हुए, स्लीव डालते हुए आपने फिर लेना। अब उसमें ज़रूर ऐसे प्ले ज़रूर देख लेनी है आपने, हर 4-5 बाउल डालने के बाद, 2 बाउल डालने के बाद, कि ताकि प्ले रहे, प्ले रहना ज़रूरी है। और आपको ऐसे ही सारे बाउल इम्पेलर डालते जा रहे हैं, हर 5 से 7वें बाउल पे ये डलेगा टीसी बूस्ट। अभी आपको और भी दिखाता हूँ, एक और डलेगा। ये 16 का पंप है तो इसमें 3 टीसी बूस्ट डलेंगे। तो एक अभी हमने डाल दिया है और एक अभी हम डालेंगे, एक और डालेंगे और एक फिर लास्ट में डालेंगे, ठीक है। वैसे ही आपको फटाफट करते हुए, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो इसके लिए आप मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अभी देखो फिर टीसी पुश आ गया, एक 4-5वें बाउल पे तो ये आ गया, फिर डाला हमने, फिर एक बैरिंग बाउल डाला। वीडियो थोड़ी लेंथी है पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसमें, आपको शुरू से एंड तक सारा फिट करते हुए, आपको सील, मैकेनिकल सील, कपलिंग कैसे करते हैं सारा कुछ सिखाया बताऊँगा उसमें, आप ध्यान से देखते रहें। एक मेरे भाई ने कमेंट भी किया था कि इसको प्रॉपर पूरी फिट करके दिखाओ, तो उसके लिए भी मैं प्रॉपर करके आपको दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे आप कोई भी LC मल्टी स्टेज पंप कोई भी आप इस तरह फिट करेंगे, सारे का एक जैसे ही सिस्टम होता है। तो आप कभी भी किसी पंप का फिट करना है तो ऐसे आप फिट कर सकते हैं और ऐसे ही चले जाना है आपने। मेरे को 2-3 कमेंट भी आए थे कि आप पूरी वीडियो नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, पूरी वीडियो बना के दिखाएं कैसे फिट किया जाता है। तो आज मैं सभी फिट कर रहा हूँ, जैसे बाउल तक तो अभी आपने देखा सारे हमने डाल दिए ऑलमोस्ट। ये मैं नए असेंबली लेके आया था, पर मैंने आपके वीडियो बनाने के लिए ही असेंबली दोबारा खोल के दोबारा फिट करके रहा हूँ, नहीं तो मेरे को फिट कराई हुई कंपनी से आई थी, मैंने फिट कर देनी थी, पर मैंने वीडियो बनाने के लिए दोबारा खोल के। ये देखो सबसे लास्ट में एक टीसी बूस्ट डलेगा और डायरी बॉल बैरिंग डाला, इसके ऊपर एक इम्पेलर लगेगा, फिर अब हमने स्लीव डाल के एक छोटी सी पार्सल टाइप स्लीव डाल के, और एक बोल्ट होता है और टाइट कर देनी है प्रॉपर। और इसको फिर टाइट करते हुए प्रॉपर फुल टाइट करना है इसको, ताकि ये, और चेक नट ज़रूर बनाना है डबल नट लगा के, ताकि ये खुल ना जाए। कई बार होता है कि हम लूज छोड़ देते हैं तो ये खुल जाते हैं बीच में और पूरी असेंबली डैमेज हो जाती है इसके कारण, तो इसको फुल टाइट ज़रूर करना है आपने और चेक नट बना के, और हो सके तो आप इस पर वो लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये कहते हैं कि कोई जैसे M-seal टाइप होता है, वो एरोडाइट टाइप होता है ना, उस तरह लगा के टाइट करें ताकि सूख जाएगा तो फिर उसके बाद नहीं खुलेगा। अब आपको दिखाते हैं इसको फिट कैसे करते हैं पंप के अंदर। ये जैसे फर्स्ट बॉल बोलते हैं, बॉटम बॉल बोलते हैं इसको, ये बॉल हमने नीचे लगा लिया, पहले फिक्स कर लेना बेस में, इसके बाद इसके ऊपर असेंबली रख लेंगे ऐसे। ये हमारी असेंबली जा रही है, ठीक है। अब इसमें हम प्ले देख लेंगे, प्ले है प्रॉपर बैठा के, ये देखो प्ले भी है। इसमें आपको मेरी आवाज़ की जरूरत नहीं, इसमें आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि इसमें कैसे किया जा रहा है। ये हमारा टॉप बाउल है, इसको रखने के बाद भी हमने प्ले एक बार ज़रूर देख लेनी है कि प्ले है, घुमा के देख लेना है।
अब हम इसके ऊपर सील लगा के दिखाएंगे आपको सील कैसे फिट की जाती है। ये इसका इसके एक स्लीव डालनी होती है, फिर ये इसमें ये लीजिए हमारी मैकेनिकल सील है। इसमें स्ट्रैप की आती है, एक हमारी कार्ट्रेज भी आती है, इसे लूज कार्ट्रेज सील कहते हैं। एक हमारी दूसरी भी आती है कार्ट्रेज सील, वो इसमें इनमें नहीं आती, इससे थोड़े बड़े पंप होते हैं उसमें एक SS की आती है प्रॉपर। और ये स्लीव का स्टेशनरी पार्ट है सील का, मैकेनिकल सील का सॉरी। तो इसमें ऐसे फिक्स कर देते हैं, जैसे अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसको, देखो निकल गया। इसके अंदर ये रिंग लगा होता है और रिंग लगा के हम दोबारा ऐसे ही फिट कर देंगे। थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे ताकि आराम से ये फिक्स हो जाए इसके अंदर। अभी देखो हम ऐसे बैठा देंगे इसको आराम से, ये हमारा हेड इस पे बैठ गया है। और इसको हेड बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो ये कई बंद हमारे भाइयों को नहीं याद होता है, पता नहीं होता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जिसको पता है उसके लिए ठीक है। अभी आपको कपलिंग करके दिखाता हूँ कि प्रॉपर कपलिंग कैसे की जाती है, ताकि आपको बना रहे। ये फुल टाइट कर लेना चाहो, बराबर टाइट करनी है, एक साइड ना ले, मतलब सामने सामने के नट बराबर टाइट करते हुए चले आना आपने। ये नहीं है कि आपने एक साइड टाइट कर दिया फिर साइड ले जाएगा और बाउल डैमेज हो जाएगा, बाउल भी डैमेज हो जाएगा और जैकेट भी डैमेज हो जाती है कई बार। तो इसको प्रॉपर टाइट करके आना आपने और प्रॉपर बराबर से। आपको प्ले लेना भी सिखाऊंगा अभी कि जब हम कपलिंग करते हैं तो इसके अंदर प्ले कैसे लेते हैं, तो प्ले लेना ज़रूरी है, नहीं तो प्ले नहीं लेंगे तो आपका पंप नीचे बैठ के चलेगा और पंप की असेंबली डैमेज हो जाएगी सारी। तो अभी आपको मैं सारा A to Z इसमें फिट करके दिखाता हूँ। इस एक वीडियो से आप ये वर्टिकल पंप चलाना सीख जाएंगे। जैसे हमने फिट कर लिया, अब इसके अंदर हमने देखना है कि फ्री है या कि नहीं। अगर फ्री है तो हम ये देखो हाथ से घूम रहा है, क्या मतलब ये फ्री है, प्रॉपर फिट हो गया है। अब इसके ऊपर एक हम ये देखो प्ले है ना, इसमें थोड़ी सी प्ले होनी ज़रूरी है। अब ये हमारे पास इसके वजह से हम प्ले लेते हैं, तो इसलिए ये नट एक नट लगाया जाता है। अब इसको फुल टाइट कर लेंगे पहले इसको, ये हम फुल टाइट कर लेंगे हल्की की मदद से। थोड़ा माफी चाहता हूँ, थोड़ा जगह कम है तो हाथ डालने आपको दिख नहीं रहा होगा, पर हम ये जैसे बोल्ट अभी दिखाया था आपको, या प्रॉपर फुल टाइट कर लेंगे। जैसे ये देखो ये ऐसे फुल टाइट कर लेंगे हल्की की मदद से। अभी आपको प्ले लेना भी सिखाएंगे कैसे। अभी ये देखो ये पत्ती होती है प्ले लेने के लिए, तो हम इसके नीचे रखेंगे पहले, इसको उठाएंगे थोड़ा सा और इसके बीच में फिक्स कर देंगे। फिर कपलिंग करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं। अभी कपलिंग, जब तक कपलिंग नहीं होगी जब तक इसको फिक्स लगा करें, तो ये प्ले ही हमारा सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। ये प्ले अगर आपने नहीं ली तो पूरा पंप डैमेज हो जाएगा आपका, तो इस प्ले को लेना बहुत ज़रूरी है। ये सभी भाइयों को मेरे नहीं पता होता है, मतलब किसी किसी को जो नए बंदे हैं उनको नहीं पता है, पुराने बंदे सभी को पता होता है कि कैसे प्ले लेने। जैसे हमने मोटर रख दी, अब मोटर के पहले मोटर फिक्स करेंगे 4 वोल्ट लगा के। ये हमारी मोटर फिक्स हो रही है, मेरे सभी भाई उसमें हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा आपको, मल्टी स्टेज सभी पंपों की वीडियो बना के आपके पास लाता रहूँगा। वीडियो थोड़ी लेंथी है
पर बड़ी वेरी बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारे ने फिक्स कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। अभी देखो हम ये कपलिंग के अंदर एक पिन लगाते हैं, पहले पिन लगा के फिर ये कपलिंग लगा देंगे हम, ठीक है। और ये फिर उसके बाद ये कपलिंग पिन लगा दें करके, अब इसके चारों बोल्ट हम टाइट करेंगे। और जब चारों बोल्ट आपने टाइट करने हैं तो प्रॉपर मतलब दोनों साइड की कपलिंग का गैप बराबर होना चाहिए। अगर आपका गैप बराबर नहीं है तो कपलिंग एक साइड को लेगी और आपका पंप साइड लेकर चलेगा, एक पंप टच होकर चलेगा कहीं ना कहीं, वो डैमेज हो जाएगा, पंप कभी फ्री नहीं होगा। तो इसलिए आपने प्ले जब आपने कपलिंग टाइट करनी है तो पूरी बराबर में मतलब दोनों साइड एक जैसे, दो कपलिंग है ना, दोनों कपलिंग का गैप बराबर होना चाहिए दोनों साइड। अभी आपको दिखाऊंगा करके कि कैसे गैप होना चाहिए आपका। थोड़ा सा टाइट हो लें तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे गैप होना चाहिए। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आपको एक ही वीडियो में सारा मतलब सारे एल्स जितने भी आपके वर्टिकल पंप किसी भी कंपनी का हो ऐसे ही फिट होता है और ऐसे ही किया जाता है, चाहे वो CRI का हो, क्रम्पटन का हो, या लुबी का हो, या ग्रैंड फोर्स का, इवन चाहे ग्रैंड फोर्स का भी हो, सभी के। अभी आपको दिखाते हैं प्ले कैसे। जैसे ये गैप है ना, जो ये गैप दोनों साइड एक बराबर होना चाहिए, आपने उसी टाइप से टाइट करने हैं कि दोनों साइड गैप बराबर रहे। अगर आपने कम ज़्यादा रख दिया मतलब कि एम हल्का फुल्का चलेगा 19-20 का, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का चलेगा, मगर आपको लगन ऐसा दिखना नहीं चाहिए कम ज़्यादा है, बिल्कुल माइनर में चलेगा मतलब पॉइंटों में, बाकी ज़्यादा आप गैप को कम ज़्यादा नहीं करें, जितना बराबर रखेंगे आपका पंप बिल्कुल फ्री फ्री होएगा और प्रॉपर टाइट होगा और प्रॉपर फिटिंग होगी। ये आपका ऐसे ही आपने घुमा घुमा के टाइट करना है। और उसको फुल टाइट करना, ये नहीं आपने लूज छोड़ देना है। अगर आप लूज छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठ जाएगी इसकी असेंबली। जो हम प्ले ले रहे हैं ना, वो प्ले क्या होता है कि अगर हम लूज कपलिंग लूज छोड़ दिया आपने ना, तो क्या होगा वो जो घूमेगी ना, दो बार झटके मारेगी तो वो नीचे बैठा दे, क्योंकि लूज रहेगी तो नीचे खिसक जाएगी कपलिंग, और वो प्ले जो हमने ली है अभी ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी और पंप नीचे बैठ कर चलेगा, पंप डैमेज हो जाएगा। तो आपने फुल टाइट करनी कपलिंग ताकि वो हिले ना इधर उधर। एक बार टाइट होने के बाद अब फिर इसके बाद ये पत्ती निकाल लेनी हमने ऐसा करके, अब देखेंगे तो गैप इसके नीचे में बनाया, और देखो ये हाथ से घूम रहा है बिल्कुल फ्री, ध्यान से देखेंगे तो आपको प्ले दिखाई देगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।